हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इंटरव्यू दो चीजों का हो, एसईओ हो, पीपीसी हो या पेड कैंपेन कोई सा भी हो, तो आपको किस तरफ जाना चाहिए। या फिर आपको, अगर मैं आपसे कंपेयर अगर आप मेरे से करवाएंगे कि एसईओ है एक तरफ, आप पीपीसी है, मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है या किसमें ज़्यादा पैसा है, इन सारे चीज़ों और किसका करियर सबसे अच्छा है, इन सारे पैरामीटर्स पे आज हम बात करने वाले हैं पीपीसी को लेके। तो गाइज, अगर आपको इंटरव्यू में आपके पास दो ऑप्शन है, एक की सैलरी जिसमें 5,000 है और पीपीसी है, और एक की सैलरी 10,000 है और वो एसईओ है, तो आपको पीपीसी ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीपीसी का और या फिर पेड कैंपेन का या फिर किसी तरह का पेड कैंपेन हो, वो हमेशा बेटर होता है। ये ऑप्शंस बहुत कम मिलते हैं लोगों को कि कोई पेड कैंपेन सिखाने वाला मिल जाए। अगर आपको कोई 5,000 में भी कोई सिखा रहा है पेड कैंपेन करना या फिर फ्री में भी सिखा रहा है जॉब में, स्टार्टिंग करियर में, तो आपको पीपीसी ज्वाइन कर लेना चाहिए। आंख बंद कर करके पीपीसी ज्वाइन कर लीजिए, 3 महीने 6 महीने, जब तक हो सके आराम से पेड कैंपेन पर टाइम दीजिए। और जैसे आप पेड कैंपेन सीख लेते हैं, जो आपकी सैलरी होगी वो इतनी होगी कि आप अच्छे खासे डेवलपर हो या फिर एसईओ का 5 साल का बंदा हो, वो आप सबको बीट करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पेड कैंपेन का फायदा ये होता है कि आपको लीड जनरेशन का बड़ा फायदा होता है। और कंपनीज को आज के डेट में क्या चाहिए? लीड जनरेशन चाहिए। एक अच्छा करियर ऑप्शन के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो पेड कैंपेन हमेशा बेटर रहता है इन कंपेयर एसईओ। पेड कैंपेन का फायदा ये होता है कि इंस्टेंट रिजल्ट आता है, तुरंत आता है, और आज के डेट में कंपनीज को भी यही चाहिए कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत हमारा वेबसाइट रैंक करने लगे। या फिर अगर आप सोचिए कि किसी मूवी, कोई मूवी रिलीज हो रही है, उसका पेड कैंपेन उठा के कभी न कभी किसी कंपनीज को दी जाती है, वो क्या चाहते हैं? 2-3 दिन में आराम से इनकी ब्रांडिंग हो, आराम से मूवी का हर जगह ये पब्लिश करें और हर जगह इनका एड दिखे, ठीक है? तो ये चीज़ें अक्सर आती रहेगी। हर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, आए दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या फिर उनकी पब्लिसिटी चाहिए। एसईओ लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट पीपीसी इंस्टेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको करियर ऑप्शन के हिसाब से अगर चूज़ करना हुआ या फिर पैसे के हिसाब के बारे में भी चूज़ करना पड़ा, तो पीपीसी या पेड कैंपेन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या फिर गूगल एडवर्ड हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का हो, ये अक्सर बेटर होता है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किस में है, तो मैं बोलूँगा पेड कैंपेन की तरफ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें सीखने में, मतलब मेरा जब करियर स्टार्ट हुआ था एसईओ से मैंने किया था और उसके बाद मैं पीपीसी सीखा, तो ये जर्नी में काफ़ी टाइम लग गया मेरे को पीपीसी सीखने में। तो आप लोग को मैं अगर यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको करियर चूज़ करना है पेड कैंपेन और एसईओ में, तो पेड कैंपेन के तरफ जाइएगा। एसईओ आसान ऑप्शन है, सैलरी स्लो ग्रोथ करती है, बट पेड कैंपेन में सैलरी भी अच्छी ग्रोथ करती है और आपको जॉब थोड़े से कम मिलेंगे पीपीसी में, बट ठीक है, पर पैसा अच्छा है, आप पेड कैंपेन की तरफ आसानी से मोल्ड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको हर पैरामीटर्स पर इसके जवाब दे दिए हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को यहाँ तक देखा है वीडियो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।